नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। बिग बॉस ओटीटी अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। जल्द ही बिग बॉस ओटीटी खत्म हो जाएगा और टीवी पर सलमान खान के साथ इस शो के खेल की शुरुआत होगी। बिग बॉस ओटीटी के घर में बने कनेक्शन में सबसे अधिक चर्चा राकेश बापट और शमिता शेट्टी की हो रही है। फैंस शमिता और राकेश की जोड़ी को काफी पसंद कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए दोनों का प्यार तो पहले ही जाहिर हो गया था, लेकिन अब हाल के एपिसोड में शमिता शेट्टी सिंगर नेहा भसीन से अपने दिल की बात कहते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल नेहा और शमिता एक दूसरे से राकेश संग एक्ट्रेस के कनेक्शन के बारे में बात करती हैं। तब नेहा शमिता से पूछती हैं कि क्या वो लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं। इसके जवाब में शमिता कहती हैं, हाँ, वो और राकेश एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये दिखता भी है। शमिता ने बताया कि राकेश एक अच्छे इंसान हैं और वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। शमिता नेहा से आगे बात करते हुए कहती हैं कि वो राकेश को पसंद तो करती हैं, लेकिन वो उन्हें लेकर काफ़ी कन्फ्यूज भी हैं। शमिता ने कहा कि राकेश उन्हें काफ़ी कंफ्यूज इंसान लगते हैं। राकेश की कंफ्यूज पर्सनालिटी की वजह से वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाती हैं। शमिता ने कहा, मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ और मैं जब भी कोई फैसला लेती हूँ तो उस फैसले के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। शमिता ने कहा कि राकेश पहले उनका हाथ पकड़ते थे, मॉर्निंग हग देते थे, लेकिन जब से उन्हें दूसरे कंटेस्टेंट्स ने टोकना शुरू किया है तो उन्होंने ये सब बहुत कम कर दिया है। शमिता ने ये भी कहा कि वो इस उम्र में आकर फ्लर्टिंग नहीं करना चाहती हैं। अगर कोई उनके लाइफ में आएगा तो वो रहने के लिए आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।